गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मधुबनी सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकेश पांडे निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएस के अचानक पहुंचते ही कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। सीएस के पहुंचकर ओपीडी का निरीक्षण किया, जहां कचरा रहने पर नाराजगी जाहिर किया। इसके साथ ही प्रसव कक्ष में गंदगी देखकर बिफर पड़े और चिकित्सक प्रभारी की फटकार लगाई। इस तरह रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती समेत पंजियों का अवलोकन किए, जिसमें कई चिकित्सक ड्यूटी से गायब मिले, जिनका उपस्थिति काट दी गई और लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही गई। वहीं लैब टेक्नीशियन भी गायब थे। इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसमें 30 बेड ऑक्सीजन जांच में तेजी, साफ सफाई समेत अन्य बिंदुओं पर बारीकी से गहन अवलोकन कर कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी शिकायत करते हुए कहा कि अस्पताल में कर्मियों द्वारा प्रसव पीड़ित महिलाओं को प्रसव के लिए झांसा देकर निजी और फर्जी नर्सिंग होम में भेजा जाता है, जिस पर सीएस ने वैसे कर्मियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि मूल रूप से कोरोना की तैयारी का जायजा लिए हैं, जिसकी सभी तैयारियां मुकम्मल करने का निर्देश दिया गया है। वहीं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। समय के अनुसार सभी अपने अपने ड्यूटी पर रहेंगे। पत्रकारों के सवाल पर कि एक्सरे बंद है, तो उन्होंने कहा कि एक्सरे चालू है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिक से अधिक जन जागरूकता चलाए जाने का भी निर्देश दिया गया है। खासकर गर्मी के मौसम को देखते हुए कर्मियों को विशेष सजग रहने का निर्देश दिए हैं। मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर केडी राय, डॉक्टर विजय कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। प्रॉब्लम कोरोना को लेकर के अलर्ट लोग कौन कौन आपके स्टाफ हैं डॉक्टर? यहाँ सीमावर्ती इलाका है सर, और जस्ट सीमा के सटे हुए अस्पताल है सर। ऐसे में निरीक्षण के दौरान क्या क्या खामियां यहाँ दिखाई दिया सर, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। सर करवाने और जो भी विधि व्यवस्था के बारे में आप क्या मतलब दो लाइन सर अपने आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।